दोस्तों मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं ऑल टेक्निकल सलमान यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए काफ़ी सब्सक्राइबर मुझे कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो हमारी क्रेडिट लिमिट थी यहाँ पर से तो वो चले गई है, यानी हाइड हो गई दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आ गया है हमको जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर आप इंस्टा लोन का ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ने क्या किया है, यहाँ पर जब क्रेडिट लिमिट नहीं दिख रही है तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि इंस्टा लोन ले लिया दोस्तों, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट दिखाई नहीं दे रही तो आपको इंस्टा लोन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इंस्टा लोन यहाँ पर सिर्फ 15 दिन के लिए दे रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, यू हैव बीन अपग्रेडेड दोस्तों, ठीक है। लेकिन उसके ही नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, हम इससे पहली वीडियो में बताया दोस्तों लिखे दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन आप जो है काफ़ी जो है बार बार कमेंट कर रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको जो है अपग्रेड का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर आपकी जो पहली पुरानी क्रेडिट लिमिट थी लेकिन अब नहीं दिख रही, तो आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपको इंस्टा लोन बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इंस्टा लोन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपकी जो है अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और जो क्रेडिट लिमिट थी वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर उन्होंने लिखा है एज एक्टिव इंस्टा लोन यूज़र यू विल बी अनेबल टू यूज़ क्रेडिट लिमिट, ठीक है दोस्तों। अगर आप जो इंस्टा लोन को जो है एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम आपको जो है क्रेडिट लिमिट यूज़ करने को नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपने अगर गलती नहीं की है लेकिन आपको फिर भी जो है आपकी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और आपको जो क्रेडिट लिमिट यूज़ करना है और आपको इंस्टा लोन नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर से आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है, एप्लीकेशन को। जैसे आप एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे यहाँ पर देखिए यू हैव बीन अपग्रेड दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए अवेलेबल लिमिट यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर 500 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सो यहाँ पर आपकी जो है लिमिट आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट जो है करंट अमाउंट स्पेंड बता रहा है, यहाँ पर मैंने पूरी लिमिट यहाँ पर यूज़ कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट एक्सेसेड लिखा आ चुका है दोस्तों, ठीक है। यानी मैं लिमिट को यूज़ कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए अवेलेबल लिमिट आ चुका है, यहाँ पर मैंने लिमिट को यूज़ कर लिया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है अगर आपको अपग्रेड का ऑप्शन आया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इंस्टा लोन ले लिया है तो आपको क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आप यहाँ से चला जाएगा, अगर आपने जो है क्रेडिट लिमिट यूज़ किया है तो इंस्टा लोन का ऑप्शन यहाँ वहाँ पर से जो है दोस्तों हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि आप दोनों में से कोई भी एक जो है क्रेडिट लिमिट को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोनों यूज़ नहीं कर सकते अपन। आप में से काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे ऐसे ही कमेंट किया कि यहाँ पर हम जो है मतलब प्रॉब्लम आ रही है, कभी इंस्टा लोन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, कभी क्रेडिट लिमिट में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया और अभी भी जो है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर आपने इंस्टा लोन जो है ले लिया है तो आप जो है क्रेडिट लिमिट यूज़ नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अवेलेबल लिमिट का ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से और वहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन आएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आपने जो है क्रेडिट लिमिट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर करके पैसे निकल रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्टा लोन का जो है अपग्रेड का ऑप्शन है वो यहाँ से चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपको ज़रूर से जो है ध्यान रखनी की दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको जो है टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर यू बिन अपग्रेड का अगर आपको ऑप्शन आता है तो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ठीक है, तो आप वैसे ही फॉलो कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको जो है फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे टेलीग्राम पर स्क्रीन शॉट के साथ संपर्क करना, मैं आपकी वहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल जाए और आप उस वीडियो को देख करके अपना प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर सके दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है, उसके ऊपर एक मैं डेडिकेट वीडियो बना दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू वीडियो के साथ, न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।